नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और आज का हेल्थ बुलेटिन। जिला प्रशासन ने जारी कर बताया है कि जिले में आज 115 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 24 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आज के हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अभी तक जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 50,563 सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से 4,123 नागरिक अब तक कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और इनमें से 3,547 नागरिक अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि दुख की बात यह है कि 26 नागरिक अब तक कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल जिले में 550 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 29 विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, 49 जिला कोविड केयर सेंटर में एडमिट हैं, जबकि 472 नागरिक होम आइसोलेट किए गए हैं। अभी तक जो सैंपल्स लिए गए हैं उनमें से 45,799 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि शेष 641 सैंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जिले में जो आज 115 नागरिक पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें से 34 रेवाड़ी शहर से, 32 धारूड़ा से, 10 बावल, 3 कोसली बेरली कला बांस, 2 मरीज जलालपुर जाट रसगण डूंगरवास व टाकड़ी और 1 मरीज आसलवास बनीपुर भांडोर भाड़ावास भुरथला बोलनी चिड़ियावास डोढ़ई लिसाना महेश्वरी मोहम्मदपुर मोहद्दीपुर निखरी पीधड़ावास सहलावास बेरली खुर्द झाबुआ फतेहपुरी पावटी व दिडोली से संबंधित है। इसके साथ ही जो आज 24 मरीज स्वस्थ हुए हैं, इनमें से 4 बोलनी, 3 रेवाड़ी शहर और धारोड़ा व बावल और 2 मरीज जैतड़ावास निखरी और 1 मरीज खरखड़ा खिजूरी मोहम्मदपुर नांदा पीथनवास बूढ़ला व संगवाड़ी से संबंधित है। आपका जो धरना चल रहा था और अभी क्या कुछ बातचीत हुई है? मेरा 1 तारीख से धरना था और अनशन पे था मैं, और आज 8वां दिन है, ठीक है। इस दौरान मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ। और बात यह है कि गांव वालों ने, सभी की इच्छा थी और चाह रहे थे, बोले मास्टर जी थोड़ा ना अपने स्वास्थ्य का, परिवार का और हमारे गांव बस्ती का ध्यान करो, तो सभी के भले को ध्यान में रखते हुए और सरपंच साहब ने आश्वासन दिया है कि यदि DC साहब मेरी उपयुक्त मांगे नहीं मानते हैं, ठीक है, तो समस्त गाँव मेरे साथ दोबारा धरने पर बैठ जाएगा जी। तो इसलिए आज मिलने आए आप? जी बिल्कुल, इनके आग्रह पे आए हैं स्पेशल। आप तो काफ़ी देर होगी खैर यहाँ खड़े हुए, आप काफ़ी देर उधर मेन ऑफिस में खड़े थे, अभी कैंप ऑफिस में खड़े हैं जी। ये तो खैर व्यवस्था की बात है, बाकी मेरे को 1.5 घंटा लगभग खड़ा हो गया, और बाकी तो चीज़ें आप समझदार हैं, मेडिकल प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए इसके। तो अभी क्या रहेगा? अभी DC साहब से बातचीत हुई नहीं है, खैर हालांकि आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या रहेगा? जी मांगे नहीं मानी जाती तो दोबारा फिर वही से, अब गाँव पंचायत भी मेरे साथ है, सभी ने ये आश्वासन दिया है कि यदि सर नहीं मानते तेरी जो जायज मांगे आज तो दे रहे हैं, तो दोबारा से सभी लोग मेरे साथ धरने पर बैठ जाएंगे। क्या कुछ थी मुख्य मांगे जिसमें से मेन मांग जो थी? मुख्य मांगे तो सर ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु जो चयन समिति बनाई गई थी जिला रेवाड़ी में, उन्होंने जबरदस्त धांधलीबाजी की, इसमें साजिश नजर आ रही है, तो उसको लेके हमने प्रोटेस्ट हुई है। जी DC सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने एक कमेटी गठित करने का कहा है जिसमें 3 मेंबर होंगे, जिसका हेड मैं हूँ और बाकी 2 मेंबर्स भी मेरी सहमति से बनाए जाएंगे। और उन्होंने ये कहा है कि खाली आपका नहीं, अब तो आपके जो विचार हमने जाने हैं उससे हमें पूरे देश की व्यवस्था बदलनी है, तो आप कोर इश्यूज़ पे बात करिए कि किस किस तरह के जो है ना क्या सुझाव होने चाहिए एक अच्छे टीचर अवार्ड के क्राइटेरिया के लिए, और शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधरे, इसके सुझाव आप दीजिए। 2 अक्टूबर तक का मुझे समय दिया गया है कमेटी बनाकर, और उसमें मैक्सिमम मैं जितने लोगों से अच्छे आइडियाज़ लेके शेयर कर सकूँ, जिससे विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, हमारे समाज का भला हो, तो इस तरह के आइडियाज़ उन्होंने मेरे से मांगे हैं। जी सर, DC सर ने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके हेड होंगे कुशल कटारिया सर, उनकी अध्यक्षता में आप 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे, और जो मेरे साथ धांधली हुई है उसकी वो निष्पक्ष जांच करेंगे, और उस जांच के दायरे में यदि मेरे अधिकारी आते हैं तो उन पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, और एक कर्मचारी जिन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे अभद्रता की थी उसके खिलाफ तो तुरंत एक्शन लेने के लिए मेरे DEO श्री राजेश जी को उन्होंने स्पेशली बोल दिया है अभी कि तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। ये बातें हैं सर। अभी जिला अधीश ने जो कहा है उससे संतुष्ट आप सभी से, और अपना धरना आज खत्म कर रहे हैं? जी बिलाल, फिलहाल उनकी बातों से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और उन्होंने मुझे पूरी तरह आश्वासन दिया और मैं भी आश्वस्त हूँ कि और हाँ, महाराज जी और मम्मी के हाथों से मैंने जूस पिया है और आज मैं